ओम शांति। 11/5/2022 की मुरली का सार है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम ही बहुत काल से शिव बाबा से बिछड़े हुए हो। तुमने ही पूरे 84 जन्मों का पाठ बजाया। अब तुम्हें दुख के बंधनों से सुख के बंधन में जाना है, तो अपार खुशी में रहो। क्वेश्चन है, अपार खुशी किन बच्चों को सदा रह सकती है? उत्तर है, जिन्हें निश्चय है कि बाबा हमें विश्व का मालिक बनाने आया है। दूसरा है, हमारा सच्चा सच्चा वही गीता का सच्चा सच्चा ज्ञान सुनाने आया है। तीसरा पॉइंट है, हम आत्मा अब ईश्वर की गोद में बैठे हैं। हम आत्मा इस शरीर सहित शिव बाबा की बनी हूँ। चौथा पॉइंट है, बाबा हमें भक्ति का फल सदगति देने आया है। पांचवा है, बाबा ने हमें त्रिकालदर्शी बनाया है। छठा पॉइंट है, भगवान ने हमें माँ बनकर अडॉप्ट किया है। हम गॉडली स्टूडेंट हैं। जो इस स्मृति व निश्चय में रहते, उन्हें अपार खुशी रहती है। आज की धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर एक है, माया के बार से बचने के लिए जीन बन अल्फ और बे को याद करते रहना है। सिर पर जो पापों का बोझ है, उसे योग बल से उतारना है। अतींद्रिय सुख में रहना है। दूसरा है, मुख से सिर्फ सिब सिब नहीं करना है, बाप से ही सच्चा लब रखना है। कांटों से फूल बनाने की सेवा में तत्पर रहना है। वरदान है, निश्चय स्थिति द्वारा, निश्चिंत स्थिति द्वारा, यथार्थ जजमेंट देने वाले, निश्चय बुद्धि विजयी रतन भव। निश्चिंत स्थिति द्वारा यथार्थ जजमेंट देने वाले, निश्चय बुद्धि विजयी रतन भव। सदा विजयी बनने का सहज साधन है, एक बल एक भरोसा। एक में भरोसा है तो बल मिलता है। निश्चय सदा निश्चिंत बनाता है, और जिसकी स्थिति निश्चिंत है, वह हर कार्य में सफल होता है। क्योंकि निश्चिंत रहने से बुद्धि जजमेंट यथार्थ करती है, तो यथार्थ निर्णय का आधार है निश्चय बुद्धि निश्चिंत। सोचने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि फॉलो फादर करना है। एक कदम कदम बोलते हैं, कदम पर कदम रखना है। जो श्रीमत मिली है, उसी प्रमाण चलना है। सिर्फ श्रीमत के कदम पर कदम रखते चलो, तो विजयी रतन बन जाएंगे। स्लोगन है, मन में सर्व के प्रति कल्याण की भावना रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं, इस संगम पर ईश्वरीय नॉलेज जो हमें मिल रही है, क्या यही नॉलेज फिर से सतयुग में मिलेगी? अब इस पर समझाया जाता है कि सतयुग में तो हम स्वयं ज्ञान स्वरूप हैं, देवताई प्रलब्ध भोग रहे हैं। वहाँ ज्ञान की लेन देन नहीं चलती है, ज्ञान की जरूरत है अज्ञानियों को। सतयुग में तो सब ज्ञान स्वरूप है, वहाँ कोई अज्ञानी रहता नहीं है जो ज्ञान देने की जरूरत रहे। इस समय हम सारे विराट ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं। आदि में हम कौन थे, कहाँ से आए हैं, और मध्य में कर्म बंधन में फंसे फिर कैसे गिरे। अंत में हमको कर्म बंधन से अतीत अतीत होकर कर्मातीत देवता बनना है। अभी जो पुरुषार्थ चल रहा है, इससे हम भविष्य प्रारब्ध सत्युगी देवता बनते हैं। अगर वहाँ हमको यह मालूम होता कि हम देवताएं गिरेंगे, तो यह ख्याल आने से खुशी गायब हो जाती है। तो वहाँ गिरने की नॉलेज नहीं है, यह ख्यालात वहाँ नहीं रहते हैं। हमको इस नॉलेज द्वारा अब मालूम पड़ता है कि हमको चढ़ना है, सुख की जीवन बनानी है। आधा कल्प अपनी प्रारब्ध भोग, फिर अपने आप को विस्मृति कर माया के वश होकर गिर जाते हैं। यह चढ़ना और गिरना अनादि बना बनाया खेल है। यह सारी नॉलेज अभी बुद्धि में है, यह सत्युग में नहीं रहती है। ओम शांति। यह नॉलेज सत्युग में नहीं।